दिस क्वेश्चन इट कैन बी आस्ड एज दैट एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुआ है लोकोमोशन का प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। सो इन मैनी फॉर्म्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ड। बेसिकली ये आपका एक पेपर का थीम है, लोकोमोशन इन प्राइमेट्स। इट कैन बी आस्ड कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है लोकोमोशन का, वेरियस लोकोमोशन आपके पास अलग अलग लोकोमोशन किस तरह से करते हैं प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट से तीन, अगर आप प्राइमेट्स को टॉपिक देखें तो वहां से जो है वो आपके पास चार थीम्स पूछे जाते हैं। एक है आपके पास लोकोमोशन के ऊपर, ठीक है। दूसरा है आपके पास जनरल एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है प्राइमेट का, यानी कि प्राइमेट्स में अडेप्टिव रेडिएशन करके दिखाओ, ठीक है। प्राइमेट्स में अडेप्टिव रेडिएशन कीजिए। कई बार डेंटेशन के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, बट दैट इज वेरी रेयर। एक बार 85 में या फिर 84 में पूछा था डेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद जो है वो कभी भी पूछा नहीं गया, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो लोकोमोशन के ऊपर सवाल पूछा जाता है। फिर आपके पास जो है वो सवाल ये पूछा जाता है कि प्राइमेट्स का बिहेवियर दिखाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सवाल ये पूछा जाता है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी बिटवीन प्राइमेट्स एंड मैन, ठीक है। तो इन चार थीम्स के ऊपर जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो पिछले अगर आप 10-15 सालों के क्वेश्चंस देखोगे प्राइमेटोलॉजी से, तो इस तरह से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ओके, इसी के साथ आपको हल्का फुल्का जो है वो आइडिया होना चाहिए कि मायोसीन में कौन से प्राइमेट्स थे, ईओसीन में कौन से प्राइमेट्स थे। तो सिंपली सम आइडिया, कुछ आइडिया अगर होगा तो ये अच्छा रहेगा। अगर नहीं है आइडिया तो सिर्फ आप आज की क्लास में अडेप्टिव रेडिएशन देख लीजिएगा, उससे ही आपको हल्का फुल्का जो है वो आइडिया लग जाएगा। ओके, सो इस तरह से प्राइमेट्स जो आपका टॉपिक है, जो प्राइमेट्स की थीम है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। सो द एवोल्यूशन ऑफ लोकोमोशन इन प्राइमेट्स। सो प्राइमेटोलॉजिस्ट लाइक नापियर, ब्रेस, मोंटेग, कामसी, तो इन्होंने जो है वो आपके पास प्राइमेट्स के लोकोमोशन पैटर्न के ऊपर जो है वो स्टडीज की है। ओके, सो देयर आर सर्टन वर्टिकल और क्लिंजिंग और लीपिंग टाइप्स। फिर आपके पास क्वाड्रिपेडलिज्म आ जाता है। क्वाड्रिपेडलिज्म में दो तरह के होते हैं, आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल। आर्बोरियल में अगेन देयर आर टू टाइप्स, स्लो क्लाइंबिंग, ब्रांच रनिंग और वॉकिंग। देन इन द टेरेस्ट्रियल अगेन देयर आर थ्री टाइप्स, डेंटोग्रेड, पामीग्रेड, नकल वॉकिंग, ठीक है। नकल वॉकिंग जैसे गोरीला करता है। पामीग्रेड का मतलब इस तरह से सामने बिल्कुल नीचे हाथ, बिल्कुल जो पाम है वो बीचे बिल्कुल नीचे रख के। डेंटीग्रेड का मतलब जो उंगलियां हैं वो आपकी जो है वो इस तरह से नीचे होती हैं, वो ग्राउंड को जो है वो टच कर रही होती हैं। देन ब्रांचेशन, ब्रांचेशन में ट्रू ब्रांचेशन, सेमी ब्रांचेशन, देन मॉडिफाइड ब्रांचेशन। ओके, इन सेमी ब्रांचेशन अगेन यू हैव टू टाइप्स, द न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। देन यू हैव दी बाइपेडलिज्म। और जो आपका एवोल्यूशन होता है, इट गोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। वर्टिकल क्लिंजिंग, लीपिंग, ये सबसे पहले आई, ठीक है। पहले क्योंकि आप जो थे वो एक किसी रोडेंट जैसे थे, आपके जो प्राइमेट्स थे वो किसी रोडेंट जैसे थे, तो सबसे पहले आपके पास है वर्टिकल क्लिंजिंग और लीपिंग आई। इट केम इन द ईओसीन पीरियड, ठीक है। देन क्वाड्रिपेडलिज्म आया। क्वाड्रिपेडलिज्म केम इन दी मायोसीन पीरियड, ठीक है, इन दी प्रोकंसूल्स, ठीक है। तो आपके पास सर्कियोपिथिकॉर्ड्स, प्रोकंसूल्स, इन देम डू यू हैव दी क्वाड्रिपेडलिज्म। क्वाड्रिपेडलिज्म का मतलब क्या है कि चौपाए हो गए, चार पैरों के ऊपर आपने चलना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो ब्रांचेशन है वो आपके पास ओरियोपिथिकस में, ओरियोपिथिकस बम्बली में जो है वो लेट मायोसीन पीरियड में जो है डेवलप हुआ। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको जो है वो रिमेंबर कर लीजिए। वर्टिकल क्लाइंबिंग लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी तो आपको वर्टिकल क्लाइंबिंग के बारे में पता ही होगा कि शोल्डर, रिस्ट, फोर आर्म मोबाइल रहते हैं, तभी तो आप वर्टिकली क्लाइंब कर पाओगे, ऊपर चढ़ पाओगे किसी चीज के ऊपर, ठीक
ठीक है, तो आपके पास जो लिम्ब्स हैं वो ऑब्वियसली लॉन्गर रहेंगी, बॉडी का साइज जो है वो कम रहेगा, तभी आप क्लाइंब कर पाओगे ऊपर की तरफ, फॉर एग्जाम्पल टारसियर्स। ठीक है, एक बार इसका चेहरा देख लेना टारसियर्स का, ठीक है, याद रहेगा। देन स्लो क्लाइंबिंग फॉर एग्जाम्पल लॉर्सीज ऑफ एशिया, ठीक है, सो द एनिमल उनका जो है वो आपके पास एक स्प्रेड थंब होता है, दिस इज दी की फीचर, ये आपके पास की फीचर है, और जो सेकंड डिजिट होता है इट इज रिड्यूस्ड। देन ब्रांच रनिंग, दे हैव स्मॉल बॉडीज, ऑब्वियसली जो फोर लिम्स हैं, हिंड लिम्स हैं, दे विल हैव द इक्वल साइज, फॉर एग्जाम्पल लेमूर्स ऑफ एशिया। देन द डेंटीग्रेड्स, और सॉरी डिजिटीग्रेड्स, डिजिटीग्रेड्स फॉर एग्जाम्पल मेंड्रिल्स ऑफ अफ्रीका। देन आपके पास पामीग्रेड आ जाते हैं, बेबून्स ऑफ अफ्रीका। देन नकल वॉकिंग आ जाती है, अफ्रीकन ग्रेट एप जिसको हम गोरिल्ला कहते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास नकल वॉकिंग आ जाती है कि नकल के सहारे इस तरह से वो चलते हैं, जब नीचे वो होते हैं तो नकल का सहारा ले लेते हैं। देन द ट्रू ब्रांचेशन, इन द ट्रू ब्रांचेशन आपके पास जैसे गैबोन्स में होता है कि वो लटकता लटकता ही जो है सो जाता है, ठीक है। देन इन द सेमी ब्रांचेशन यू हैव न्यू वर्ल्ड मंकीज लाइक हाउलर स्पाइडर मंकी, ठीक है। देन यू हैव द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज लाइक लंगूर्स इन इंडिया, मॉडिफाइड ब्रांचेशन लाइक चिंपेंजीज, कि आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वॉक, वॉक कर सकते हैं वो, ठीक है, बट दे हैव द ब्रांचेशन, ब्रांचेशन मतलब ब्रांचेज में भी वो लटकना जानते हैं, और अच्छे से वो आर्बोरियल अडेप्टेशन भी है, और उसके साथ जो है वो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन भी वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड इवेंचुअली इन द बायोपेडलिज्म यू हैव मैन, और बाइपेडलिज्म जो है वो प्लायोसीन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ऑब्वियसली इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से जो है, चाहे आपको पूछा जाए कि आपके पास किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, प्राइमेट्स में किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन हुआ है लोकोमोशन का, ठीक है, चाहे वो पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए, दैट एलुसिडेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द डिफरेंट लोकोमोटिव पैटर्न्स इन द प्राइमेट्स और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, तो इस तरह से आपको लिखना है। प्लीज रिमेंबर, ये जो आपके पास इनके नाम हैं, मेंड्रिल्स हैं, बेबून्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स थे, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को एक बार जो है वो याद कर लीजिए, इट विल बी वेरी मच क्रूशियल, ये आपको क्रूशियल रहेगा। बाकी नापियर का नाम याद कर लीजिए, एशले मोंटेक का, या फिर खामसी का नाम याद कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। ओके ओके, दैट पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी सेंट यू, अगर किसी को नहीं मिली भाई मुझसे पूछ लेना, ठीक है, तो कई बार नहीं हो पाता है, कई बार मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को सेंड करना, तो भी मांग लिया करो उसको, ठीक है। तो जेन गुडल, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टडिंग द प्राइमेट बिहेवियर, ये हमने कल ही कर ली थी, वाइल्ड वी वर डूइंग प्राइमेट बिहेवियर, हमने अलग अलग जगह के ऊपर जेन गुडल को जो है वो कोट किया था, ठीक है। जेन गुडल का जो काम है वो गॉम्बे में हुआ था, गॉम्बे, ठीक है, गॉम्बे एक आपके पास एक जू है, वहां पे जो है वो जेन गुडल ने काम किया था, ठीक है। मानहले, मानहे और गॉम्बे, दो जगह के ऊपर उन्होंने काम किया था, गॉम्बे वाला काम जो है वो उनका ज़्यादा मशहूर है। ओके, सो डिस्कस द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्टर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने कल डिस्कस कर लिया था कि आपके पास बाइपेडलिज्म आया, हैंड्स जो हैं वो आपके पास फ्री हो गए, यू स्टार्टेड टूल मेकिंग, आपके पास बाइपेडलिज्म आया, टूल मेकिंग स्टार्ट हो गई, इट ऑल्सो क्रिएटेड द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन और एसिफिलाइजेशन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द टूल मेकिंग, एसिफिलाइजेशन ऑफ द ब्रेन, वट हैपन्ड वॉज दैट द लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, और इसी के साथ विद द टूल मेकिंग एंड विद द एसिफिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, जो आप बाइपेडलिज्म के साथ जो है वो आपके पास, यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग फायर, इट मेड सोसाइटी एक्सेट्रा, वो जो सारी चीज़ें हैं दैट वी विल, हाँ, माइग्रेशंस आपने करने स्टार्ट कर दिए विद बाइपेडलिज्म, ऑब्वियसली इट टेक्स लेस एनर्जी देन द क्वाड्रिपिटल एनिमल, ठीक है, तो क्वाड्रिपिटल एनिमल से कम एनर्जी लगती है चलने के लिए, सो विद बाइपेडलिज्म द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस दे बिकम एक्टिव, आपके पास हो एक्टिव हो गई, ठीक है। एक चीज़ हाँ पूछी जा सकती है भाई, वो मुझे याद भी करवा देना, कि आपके पास हाइपोथीसिस क्या है, व्हाट आर द हाइपोथीसिस ऑफ बाइपेडलिज्म, बाइपेडलिज्म
जो है वो डेवलप किस तरह से हुआ है, ठीक है, दैट टिल नाउ हैव नॉट बीन आस्क्ड, वो पूछा नहीं है, बट बाइपेडलिज्म बाइपेडलिज्म बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो मुझे एक बार जो है वो लव जो है, हाँ लव जो है हाइपोथिसिस वगैरह वाला, ठीक है, तो वो अगर तो आपने मेरी यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखी हैं तो मैंने ऑलरेडी वहां पे भी कवर करवा रखा है, अगर नहीं कवर किया हुआ आपने तो भाई मुझसे एक बार हैंड आउट मांग लेना, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट, ठीक है। इसके अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, देर इज सवाना हाइपोथेसिस, देर इज एक प्रोफेसर लवजॉय का हाइपोथेसिस है, इस तरह से बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं दैट वाई द ह्यूमन बाइपेडलिज्म इट हैव स्टार्टेड, ह्यूमन बाइपेडलिज्म कैसे शुरू हुआ है। देन अडेप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स और अडेप्टिव प्राइमेट रेडिएशन, सो अडेप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बाय जानुश, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ इवॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सेवरल डिस्टिंक्ट इको नीशेज, टू ईच पर्टिकुलर ग्रुप, टू विच ईच पर्टिकुलर ग्रुप इट इज अडेप्टेड पर्टिकुलरली इट इज कॉल्ड द अडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि आपके पास पहले एक नीश होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, देन लोग जो हैं वो अलग अलग नीश में चले जाते हैं, और ये जो लोग हैं ये आपके पास उस पर्टिकुलर नीश को जो हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं, दैट इज नोन एज द अडेप्टिव रेडिएशन, सीधी सी बात है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ग्रुप्स जो हैं वो इवॉल्व करते जाते हैं और अलग अलग नीश में जो हैं वो जाते रहते हैं, दैट इज नोन एज द अडेप्टिव रेडिएशन। अब ये प्राइमेट्स में कैसे हुआ है, अडेप्टिव रेडिएशन इट स्टार्ट इन द ओलिगोसीन ईपॉक, ओलिगोसीन ईपॉक में इजिप्ट में सबसे जो पहला माना जाता है कि आपके पास जो है वो फायम बेड जो इजिप्ट की है वहां पे सबसे पहला जो है वो अडेप्टिव रेडिएशन प्राइमेट्स के अंदर जो है वो देखा गया, एंथ्रोपोइड प्राइमेट्स के अंदर जो है वो देखा गया, ठीक है, तो ओलिगोसीन में आफ्टर दिस अडेप्टिव रेडिएशन इन फायम बेड इन इजिप्ट आपके पास तीन तरह की जो फैमिलीज हैं वो बनेगी, पैरापिथिकिडे, ऑलिगोपिथिकिडे और आपके पास प्रोपलियोपिथिकिडे, और फिर आपके पास इस तरह से यू हैड दी एवोल्यूशन ऑफ द थ्री फैमिलीज, तो ये आपके पास जो है वो ऑलिगोसीन में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज बनते हैं, न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज किस तरह से बनते हैं, जो आपके पास ये पैरापिथिकिडे है, दैट पैरापिथिकिडे और पैरापिथिकिडेस ये जो है वो आपके पास अफ्रीका में आ जाता है, ठीक है, इट कम्स इन टू अफ्रीका, और समवेयर इन दी अफ्रीका आपके पास जो है वो एक सेपरेशन हो जाता है बिटवीन न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकीज जो हैं वो आपके पास साउथ अमेरिका में चले जाते हैं, और जो आपके पास ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं वो एशिया अफ्रीका यूरोप यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। सो इन द ओलिगोसीन द वर्ल्ड वॉज नॉट एज यू सी टूडे, जैसे आप आज दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं थी, ठीक है, तब आपके पास जो कॉन्टिनेंट थे वो कंबाइंड थे, आई होप आपने जनरल स्टडीज वगैरह में ये सारी चीज़ें करी होगी, ठीक है, अभी टाइम नहीं है ये सब कुछ करवाने का, ओके। सो आपके पास ये माना जाता है कि जो आपके पास एपिडम है, जीनस एपिडम, इट वॉज द प्राइम एंसेस्टर दैट वॉज ऑब्वियसली ऑफ दी फैमिली पैरापिथिकिडे, और आपके पास एपिडम से जो है वो आपके पास एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी बन गया, एक आपके पास जो है वो न्यू वर्ल्ड मंकी बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो आपके पास अगेन उसमें डाइवर्जन होता है, एक आपके पास लाइन जो है वो एप्स की तरफ चले जाती है, दूसरी लाइन जो है वो बाकी मंकीज की तरफ चले जाती है, तो ये माना जाता है कि प्रोपलियोपिथिकिडे, ठीक है, आपके पास जो ये था प्रोपलियोपिथिकिडे, इट बिकेम यहां से जो है वो आपके पास एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी बाकी मंकीज की तरफ चले जाती है, लाइन लंगूर वगैरह ये सब की तरफ चले जाती है, और दूसरे टाइप दूसरी जो लाइन है वो एप्स की तरफ आ जाती है, ठीक है, एप्स का मतलब जो है वो आपके पास जो गोरिल्लाज है और ओरंगउटांस हैं जो गिबन्स हैं इनकी तरफ आ जाती है। फिर आपके पास आया आता है मायोसीन इपोक, मायोसीन इपोक इट इज अबाउट 23 to 5.3 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, अगेन देयर इज अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एप्स और होमोआइड्स दैट इज विजिबल, ठीक है, तो आपके पास यहां पे क्या होता है कि आपके पास जो एप्स हैं बाकी जो एप्स हैं और आपके पास जो
होमोइड्स हैं, होमोनॉइड्स हैं, यानी कि आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस, डायोपिथिकस वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे जो है वो मायोसीन में जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जो है वो आपके पास दीज होमोनाइड्स ये भी अलग अलग होते जाते हैं प्लायोसीन एंड प्लाइस्टोसीन में, ठीक है। ये प्लायोसीन प्लाइस्टोसीन में अलग होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द अडेप्टिव रेडिएशन, ये आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन है। दिस कैन बी आस्ड, ये सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बताइए प्राइमेट्स में जो है वो क्या हुआ है, किस तरह से हुआ। या फिर ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्राइमेट्स का एवोल्यूशन ह्यूमंस के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। दैट व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमेट्स, इनका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बताइए प्राइमेट्स का, या फिर हाउ प्राइमेट्स इवॉल्व इनटू ह्यूमंस ये करके दिखाइए, या फिर एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट करके दिखाइए, कुछ भी इस तरह से जो है वो चीजों को पूछा जा सकता है। हाँ, वो तो हाँ, नहीं, उनको मत लिखना, वो फिर चीजें अलग हो जाती हैं। सिर्फ इतना मायोसिन के तक, मायोसिन तक ठीक है, तो हमने बता दिया कि कैसे आप जो है वो होमोनाइड्स की तरफ आ गए। फिर आपके पास बाकी तो अलग होते ही रहते हैं, प्लायोसिन प्लाइस्टोसिन में वो जो है वो काम हमारा ही चलता है फिर, ठीक है। तो जब प्राइमेट्स की बात की जाए तो आपको रेडिली ये अज्यूम नहीं कर लेना कि आपके पास जो है वो इंसान की बात की जा रही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमेट जो में जो है, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमेट फॉर ह्यूमन बीइंग, उसमें आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है, कि आपके पास प्राइमेट जो हैं वो इस तरह से इवॉल्व करे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास धीरे धीरे जो है वो इसी के साथ जो है वो आप जो है वो इसके फिजिकल फीचर्स भी लिखते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिगोसीन में वी हैव ऑलरेडी डन इन दी लोकोमोशन, लोकोमोशन में हमने ऑलरेडी किया था कि आपके पास यहाँ पे जो फैमिलीज बनती हैं दे आर ऑल दी वर्टिकल क्लाइंबिंग टाइप, फिर आपके पास जो है वर्टिकल क्लाइंबिंग टाइप वो ब्रांचेशन टाइप्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, दे आर वो ब्रांचेशन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास धीरे धीरे जो है वो लोकोमोशन डेवलप होता जाता है, तो इस तरह से आप रेलेवेंस ह्यूमन के साथ जो है सेट कर सकते हैं, क्योंकि डेंटेशन वगैरह को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो डाइवर्सिटी ही बहुत ज़्यादा है। गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ में आ रहा है? तो यू कैन रिलेट दिस, ये तीन सेंटेंसेस लिखे थे ना, इसको साथ में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ईओसीन में आपके पास वर्टिकल क्लाइंबिंग टाइप है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मायोसीन में ब्रांचेशन टाइप आ जाते हैं, तो उसी को आपको जो है वो इन्हीं चीजों में लिखना है, ठीक है। ऑलिगोसीन में आपके पास यू हैव दी वर्टिकल क्लाइंबिंग टाइप, और आपके पास जो है वो क्वाड्रिपेटलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मायोसीन में आपके पास ये जो बाकी हैं होमोनाइड्स वगैरह वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में लिखनी है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, ये दो चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से ध्यान लगा लेना। 99% चांसेस आर कि जो सवाल हैं वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इन्हीं दो चीज़ों में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपने प्राइमेट्स को अच्छे से नहीं किया है तो करने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि रट्टा जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम किया हुआ कोई फ्रूटफुल भी होने वाला है वो, ठीक है। ब्रिंग आउट द कंपैरेटिव एनाटॉमी फीचर विद द मैन एंड एप, डिस्कस द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। भाई देखो, इसमें जो है वो आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी बतानी है मैन और एप के बीच में। प्लीज सी दिस स्लाइड, आई बिलीव कि आप सबने कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो कर रखी होगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इट इज वेरी पॉपुलर,
सो दिस इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी। एक बार प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड, इस स्लाइड से आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इसमें सारी चीजें लिख रखी हैं, क्रेनियल फीचर्स भी लिख रखे हैं, पोस्ट क्रेनियल फीचर्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। एवरी थिंग विल इज अवेलेबल हेयर, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। जहां पे ये डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि जो पिछला है वही अपने आप को जो है वो फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। डैश मींस कि जो जैसे मॉडरेटली लार्ज है, मॉडरेटली लार्ज यहां पे रहेगा, मॉडरेटली लार्ज यहां पे रहेगा, मॉडरेटली लार्ज यहां पे रहेगा, ओके। सो प्लीज गो थ्रू दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाइएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इतना जो है वो काफी रहेगा, ओके। और इसी के ऊपर जो है वो ये चीजें पूछी जाती हैं कि प्राइमेट्स आप जो है वो बताइए कि किस तरह से चिंपैंजी और ह्यूमन सिमिलर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो पूछी जाती हैं, ठीक है। ओके, सो एक्सप्लेन द स्केल्टन चेंजेस इन द इरेक्ट पोस्चर, अगेन वी हैव डन दिस। अगर नहीं भी किया तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से जो है वो समझ आ जाएगा। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट दोज थिंग्स कि आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म किस तरह से बना है, जो तीन सेंटेंसेज मैंने वहां पे लिखे हैं लोकोमोशन में, ठीक है। वो चीजें लिखनी है कि आपके पास मैन के अंदर जो है वो बाइपेडलिज्म बनने की वजह से जो है वो ये फीचर्स एप से अलग हुए हैं, और फिर आप जो है वो उसका ओके, उसका जो है वो बाइपेटलिज्म कैसे आया, ठीक है, किस इपोक में आया वो लिखोगे। और उसके बाद आप लिखोगे कि जो है आपके पास जो बाइपेटलिज्म है, बाइपेटलिज्म के आने की वजह से व्हाट आर द चेंजेस दैट आर देयर, कि आपके पास जो चेंजेस हैं वो किस तरह क्या क्या आई हैं, यानी कि कल्चरल चेंजेस क्या क्या आई हैं और आपके पास एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या आई हैं, वो चीज़ें लिखोगे, ओके। दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चरिंग इस चीज़ की। ब्रिंग आउट द कंपेरेटिव एनाटॉमिकल फीचर्स बिटवीन द मैन एंड एप, दैट यू विल डू। फिर उसके बाद जो है वो यू हैव टू राइट कि ये जो आपके पास एप्स और मैन के बीच में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि मैन के अंदर जो लोकोमोशन है वो बाइपेडल हो गया है, ठीक है, और एप्स के अंदर या तो आपके पास नकल वॉकिंग है या फिर आपके पास मोडिफाइड ब्रांचेशन है। तो इस तरह से एप्स जो हैं वो अभी पूरी तरह से दे आर नॉट फुली बाइपेडल, ठीक है। देन यू विल राइट दोज थ्री थिंग्स, आप जो जो मैंने तीन जो लाइन्स हैं वो लिखवाई हैं कि कब कब जो है वो मायोसीन में जो है वो आपके पास जो है वो ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन बायपेटलिज्म धीरे धीरे जैसे जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया इन मायोसीन, वी डाइवर्ट फ्रॉम द एप्स, ठीक है। तो इसको लिख के देन यू विल राइट कि आपके पास जो बायपेटलिज्म डेवलप होने की वजह से वट आर द चेंजेस दैट आर सीन इन द ह्यूमन बींग्स, तो आपके पास ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो क्या क्या चेंजेस मिली हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें डिस्कस द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्चर, उसी चीज़ को जो है वो दूसरे पार्ट में डाल दिया गया है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। नाउ इज इट क्लियर प्रिनीत, ठीक है। तो उसी तरह से आपको लिखना है इसको, ओके। प्लीज उन दो जो आपके पास सिंपल दो पेजेस हैं उसको बार बार जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसको बार बार देख भी लोगे उतना ही काफ़ी होगा, 99% जो है वो चांसेस आपके वहीं से बन जाएंगे कि अगर कोई सवाल आए आप उसको क्रैक कर लोगे, ठीक है। बाकी एक बार देख जरूर लेना कि आपके पास अलग अलग प्राइमेट्स कौन से हैं। हाँ, क्योंकि अभी अगर अगर तो आपने किया है प्राइमेटोलॉजी कर रखी है अच्छे से, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मतलब फिर तो और कोई और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप अभी करने बैठोगे प्राइमेटोलॉजी तो आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी एनी फ्रूटफुल, तो ये फ्रूटफुल होने वाली है। सो जस्ट सी द थीम्स कि कहाँ से आ रहे हैं एंड प्रे टू गॉड यहाँ से आ जाए, ठीक है। 99% चांसेस आर कि आपको यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था तो वो 1985 में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है, कि डेंटेशन के ऊपर सवाल पूछा गया था 85 और 87, तो
उसके बाद डेंटेशन के ऊपर कभी भी सवाल नहीं पूछा। सो देर आर वेरी लेस चांसेस कि डेंटेशन या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर फीचर के ऊपर कोई सवाल पूछेगा। ठीक है, ओके। सो एक्सप्लेन द स्केल्टन चेंजेस। हाँ, डेंटल मॉर्फोलॉजी रिड्यूस हो जाती है। बस बीच में एक आपके पास दो तीन चीज़ें आती हैं। पहले आपके पास डेंटल फॉर्मूला जो है वो एक रोडेंट जैसा होता है आपका, इन स्टार्टिंग जब आप करते हैं एवोल्यूशन की योसीन वगैरह में जब स्टार्टिंग होती है, देन आपके पास एक डेंटल कॉम्ब आ जाता है बीच में। वो डेंटल कॉम्ब जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। दो हल्की फुल्की सी चीज़ें हैं। अगर आप, मैंने एक और आपको पीडीएफ भेजा था, अगर आप उस पीडीएफ में देखोगे वहाँ पे मैंने एवोल्यूशन ही लिखा है अलग अलग प्राइमेट्स का, तो अगर आप जो है वो उसमें देखोगे देयर यू कैन फाइंड इजीली वहाँ पे जो मैंने डेंटल कॉम्ब वगैरह वाली चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, एनीवेज, सो एक्सप्लेन द स्केल्टन चेंजेस ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर दैट वी हैव डन। इलूसीडिएट द स्केल्टल डिफरेंसेज बिटवीन द ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज दैट यू कैन डू। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस यहाँ पे आपने आपको डिस्कस करने हैं। डिस्कस द एनाटॉमिकल चेंजेस मैन के इरेक्ट पोस्चर की वजह से क्या हुई, अगेन आपको वही सारी चीज़ें लिखनी हैं। देन डिस्कस द प्राइमेट लोकोमोशन विद दिस स्पेशल रेफरेंस टू द अडेप्टेशन टू द आर्बोरियल लाइफ। ठीक है, तो सिंपल सी वही बातें लिखनी है। तो जो आर्बोरियल लाइफ यानी कि ब्रांचेशन वगैरह तक आपको जो है चीज़ें प्रॉपरली लिखनी है वहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन जस्ट मैंशन दैट दीज थिंग्स हैव हैपन्ड। अडेप्टिव रेडिएशन इन द प्राइमेट्स, अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ड दैट वी हैव डन। ठीक है जी, सो नरेट द रीजन्स ऑफ द मैंस प्लेस इन द प्राइमेट ऑर्डर। भाई ये भी हम कर चुके हैं। डिस्कस द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस, कल हमने किया था। ठीक है, अगर इफ यू हैव नॉट, मतलब अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ दोबारा से जो है वो रिविजिट कर लीजिए। ठीक है, सो डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन चिंपैंजीज मैंस इन एंड इन द सेलियंट फिजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स। अगेन वी हैव डन, एनाटॉमिकल डिफरेंसेज हैं यहाँ पे आपके पास। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमेट्स, अगेन वी हैव डन। कल हमने जो है वो मिवाट की डेफिनेशन करके देन उसके बाद जो है वो हमने जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो देखे थे। शो द पोजिशन ऑफ द मैन अमंग द अदर प्राइमेट इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली वही सारी चीज़ें लिखनी है कि मैन का जॉनरा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सारी जो चीज़ें हैं वो लिखनी है। ओके, ठीक है, सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म। कई बार सवाल ये पूछा जा सकता है कि मैन की पोजिशन बताओ एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये जो सारा टेबल है वो बनाना है, एक बार देख लीजिएगा, जस्ट रिवाइज दिस, इसको जो है वो रिमेंबर कर देना। किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, जीनस। ठीक है, बस इस चीज़ को जो है वो आपको याद करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले किंगडम दो बार है, एक पूरा एक सब, फिर उसके बाद फाइलम दो बार है, फिर उसके बाद क्लास जो है तीन बार है, फिर आपके पास जो ऑर्डर है वो भी तीन बार है। ठीक है, दो दो तीन तीन, ओके। फिर उसके बाद फैमिली अगेन दो बार है, फिर आपके पास जीनस आ जाएगा। ओके, सो इतना ही है आपके पास, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास किंगडम मेटाजोआ में है क्योंकि मल्टी सेलुलर है, फिर कॉर्डाटा है क्योंकि आपके पास इंटरनल रॉड है, वर्टिब्रा है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम है, देर आर सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल बोन्स आपके बैकबोन के अंदर, क्लास मेमलिया है क्योंकि वार्म ब्लडेड है, एयर ब्रीदिंग है, वीवी पोरस है, प्लेसेंटल है, ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक है, आपके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है, देन यूथ्रा आपके पास वूम के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, प्लासेंटल, प्लासेंटा के साथ वूम जो बच्चे हैं वो जुड़े होते हैं, प्लासेंटल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, देन द प्राइमेट्स, अगेन वही जानुश वाली चीज़ें सारी लिख रखी हैं मैंने यहाँ पे, बट इट इज़ इन दी पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, अगर सॉरी जानुश नहीं, मेवाट वाली चीज़ें जो हैं तो मेवाट जो है वो वहाँ यहाँ पे लिख देना जस्ट। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपके पास फ्लैट नेल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सब ऑर्डर दैट इज द एंथ्रोपोडाए, एंथ्रोपोडिए। देन आपके पास लार्ज, ये प्रोस्मी से जो इसका साइज है वो ज़्यादा होता है। देन आपका इंफ्रा ऑर्डर, दिस इज कैटीरिनी, क्योंकि आपका नोज जो है वो आपके पास
इट इज नॉट फ्लैट, वो प्रोट्रूडर नोज होता है, आगे की तरफ नोज होता है, ठीक है। देन आपके पास जो है, देर आर टू काइंड ऑफ इंफ्रा ऑर्डर्स, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। वन ऑफ द ह्यूमन इट बिलोंग टू कैटरिनी, कैटरिनी का मतलब जो है नोज आगे की तरफ है, प्रोट्रूडर है, सामने की तरफ है। तो आपके पास जो है होमिनिडे, बिकॉज यू हैव दी ब्रेन इनलार्जमेंट, ब्रेन का इनलार्जमेंट है। देन फैमिली, दिस इज होमनी डाई डी आई ई, ठीक है। देन द आपके पास जो यू हैव चिन का डेवलपमेंट, मैग्जिला, प्री मैग्जिला बोन, आपके पास जो है डेवलपमेंट ऑफ चिन है, प्री मैग्जिला रहने देना यहाँ पे, ठीक है। देन जीनस, आपके पास होमो है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द बाइपेडल वॉकिंग, फुली इरेक्ट पोस्चर है, लार्ज कम्प्लेक्स ब्रेन है, आपके पास जो डेंसिटी है दैट इज रिड्यूस्ड, हेयरी कलर, जो हेयर्स की डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है, सिर्फ आपके पास स्कैल्प के ऊपर जो हैं वो हेयर हैं, जो लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं आर्म से, यानी कि जो आपके पास लोअर लिम्स हैं वो लॉन्गर हैं अपर लिम्ब से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है, दैट यू हैव टू राइट, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद कर लीजिएगा। सो व्हाई मैन इज अ प्राइमेट, अगेन हमने कल कर लिया था, द प्लेस ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम, अभी करके हटे हैं, ठीक है। व्हाई मैन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमेट ऑर्डर, अगेन कल कर लिया था, डिस्कस इन द डिटेल्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स, अगेन ये भी हमने कल कर लिए थे, ओके। देन डिफरेंट फॉसिल प्राइमेट्स ऑफ द प्लायोसीन, दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, एक बार जो है वो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लायोसीन और ईओसीन टाइम्स के जो हैं वो प्राइमेट्स हैं, तो किस तरह से प्राइमेट्स ने ह्यूमन ओरिजिन को कंट्रीब्यूट किया है, अगेन वही चीज़ आई है, अडेप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स, ठीक है। प्लायोसीन और ईओसीन की एक बार प्लीज देख लीजिएगा, आई हैव गिवन यू द हैंड आउट, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो मैं पर्टिकुलरली इसको जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन अगला चैप्टर, ठीक है। क्रिटिकली एवेल्युएट द कंटेस्टिंग थ्योरीज ऑफ द इमर्जेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ द होमोसेपियन, ठीक है। आपके पास जो है वो तीन थ्योरीज हैं इसकी, द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डिस्पर्सल। सो द फर्स्ट थ्योरी, इट इज द मल्टी रीजनल थ्योरी और रीजनल डेवलपमेंट थ्योरी, ये यूजिन डिबोइस ने जो थी वो प्रोपोगेट की थी, इसको जो है वो एडवोकेट किया था, और ये कहता है कि आपके पास जो है वो ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रीजन्स में हुआ है, और अलग अलग टाइम्स के बीच में ये जो है वो इनब्रीडिंग करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो होमोसेपियन जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये इस थ्योरी का क्रक्स है, प्लीज़ रीड दिस, आप जो है वो इसको खुद पढ़ लीजिएगा कि 20 लाख साल पहले जो है तो ह्यूमन बीइंग्स ने एशिया, जो आपके पास अफ्रीका है उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अफ्रीका छोड़ने के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अलग अलग आपके पास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए, और धीरे धीरे आपस में जो है वो ह्यूमन बीइंग्स इन ब्रीडिंग करते रहे, ठीक है, आपस में जो है वो ब्रीडिंग करते रहे, इंटर ब्रीडिंग करते रहे, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो एक होमोजीनस जो है वो बन गया, ठीक है। तो इसके जो आपके पास जो एविडेंसेस हैं वो बहुत कम हैं, इसके सबसे ज़्यादा एविडेंसेस जो मिलते हैं वो होमो इरेक्टस से मिलते हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस से कैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल देर इज अ होमो इरेक्टस दैट इज कॉल्ड द डेनिसोवियन मैन, डेनिसोवियन मैन हम उस होमो इरेक्टस को कहते हैं, और डेनिसोवियन मैन के जब हमने अवशेष देखे हैं, जब उनके एविडेंसेस देखे हैं, जब उनके फॉसिल्स देखे हैं हमने, वहां पे देर इज अ जीन EPAS1 जीन, दिस EPAS1 जीन इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दी शेरपाज, ये शेरपाज जो नेपाल के हैं और जो तिब्बतियंस हैं उनके अंदर भी ये जीन जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो EPAS जीन इनसे डेनिसोवियन मैन से शेरपाज तिब्बतियंस में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग रीजन्स में जो होमो इरेक्टस है वो आपके पास जो है वो बस गया, और देन दे स्टार्टेड इंटरब्रीडिंग, अलग अलग लोगों के साथ इंटरब्रीडिंग होती गई, और आपके पास जो फॉर एग्जांपल जो डेनिसोवियंस हैं वो इंटरब्रीडिंग भी करते रहे, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ नेपाल वगैरह में माइग्रेट कर गए, ठीक है। सो दिस इज द मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस, ये आपके पास मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस है, ओके, गेटिंग द पॉइंट भाई। आई होप आप सबने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, क्योंकि पिछले साल ये आया था।
देन आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो फॉर्मेशन है, जो ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिन है, वो आपके पास 1,70,000 साल पहले जो है वो अफ्रीका के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आपके पास देन ह्यूमन बीइंग जो हैं वो बाहर की तरफ गए और धीरे धीरे ये जो ह्यूमन बीइंग हैं वो बाकी एरियाज के अंदर डिस्पर्स कर गए। तो ये दिस इज़ दी रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस कि जहाँ पे आपके पास पहले डेनिसोवियन मैन रहते थे, तो डेनिसोवियन मैन को जाके ह्यूमन बीइंग्स ने रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे नियंदरथाल रहते थे नियंदरथाल को जाके रिप्लेस कर दिया, या फिर नियंदरथाल डेनिसोवियन मैन किसी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, चले गए यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास इन पॉपुलेशन के बीच में कोई जीन फ्लो नहीं है। सो देन यू हैव एविडेंसेस, इसके भी एविडेंसेस है आपके। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एविडेंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एविडेंस जो है वो उससे हमें ये पता चला है कि आपके पास 1,70,000 साल पहले जो है वो आपके पास जो ह्यूमन है वो अलग अलग हुए थे, अफ्रीका से बाहर आए और वो जो हैं वो आपके पास अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 10 गुना जो है वो फास्टर न्यूक्लियर डीएनए से म्यूटेशंस होते हैं। लेट से देयर इज म्यूटेशन इन दिस पॉपुलेशन और सिमिलर म्यूटेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इस पॉपुलेशन में दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि माइग्रेशन जो है वो काफी तेज हुआ है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास जो है यू हैव दी माइग्रेशन माइग्रेशन हुआ है इस तरह से। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस ये बताता है कि आपके पास 170 साल पहले जो है वो आपके पास ह्यूमन बींग जो हैं वो आपके पास अफ्रीका से बाहर आ गए थे, तो ये डेट हमें मिलती है वहां से। दूसरा है वाई क्रोमोसोमल एविडेंसेस। वाई क्रोमोसोमल एविडेंसेस जो आपके पास वाई क्रोमोसोम है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि आपके पास 1200 इंडिविजुअल को चूज किया, उसमें से आपके पास 163 जो थे देवर फ्रॉम द एशियन पॉपुलेशन, बाकी आपके पास यूरोपियन पॉपुलेशन से थे और कुछ आपके पास जो थे वो अफ्रीकन पॉपुलेशन से थे। तो एशियन पॉपुलेशन में आपके पास वाई क्रोमोसोम के अंदर कुछ आपके पास म्यूटेशंस पाए गए, तो बाकी जो आपके पास अफ्रीकन थे उनके अंदर ये जो हैं वो म्यूटेशंस नहीं पाए गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनब्रीडिंग होती तो दोनों के अंदर ये म्यूटेशन होते। अगर मान लीजिए अफ्रीकन जो है वो मेटिंग करने के लिए एशिया में आते तो उन दोनों के अंदर ये म्यूटेशन होते, लेकिन आपके पास अफ्रीकन के अंदर ये म्यूटेशन नहीं है और आपके पास एशियंस के अंदर ये जो हैं वो म्यूटेशन हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास कोई इनब्रीडिंग नहीं होती थी, आपके पास म्यूटेशन जब आप अफ्रीका से बाहर निकले तो क्लाइमेट जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हुआ दैट सर्टन म्यूटेशंस वर देयर, कुछ आपके पास म्यूटेशंस होने स्टार्ट हो गए और वो म्यूटेशंस ये यूरोपियन पॉपुलेशन भी अभी अवेलेबल है और वो म्यूटेशंस जो हैं वो आपके पास एशियन पॉपुलेशन में भी अवेलेबल है, बट दे आर नॉट अवेलेबल इन द अफ्रीकन पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरब्रीडिंग जो है वो नहीं होती, इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हुई। और जो हमें डेट मिलती है कि 1,70,000 ईयर्स अगो जो है वो इंसान बाहर निकल गया, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिलती है हमें डेट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो आपके पास म्यूटेशंस हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डेटिंग के लिए कई बार यूज कर लिया जाता है जब इस तरह की हमने जो है वो डेट्स निकालनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रिकम्बिनेशंस भी नहीं होते, बाकी आपके पास जो भी डीएनए है उसमें रिकम्बिनेशंस होते हैं। देन दी हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल इसको हल्का सा जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल से या फिर आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस से हमने अलग कर दिया है। द हाइब्रिडाइजेशन मॉडल इट स्टेट्स दैट द होमोसेपियंस इट हैव इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका ओनली 1,70,000 ईयर्स अगो, फिर उसके बाद जो है वो एंड माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका अप्रॉक्सीमेटली, फिर उसके बाद जो है वो यूरोप में बैठे रहे और फिर 40,000 साल बाद जो है वो यूरोप से जो है वो एशिया वगैरह की तरफ जो है वो चले गए।
ठीक है, तो आपके पास 40,000 साल में आपके पास जो लोग थे वो अलग अलग हिस्सों में जो है वो फैलने स्टार्ट हो गए। दिस इज दी हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। और हाइब्रिडाइजेशन मॉडल ये कहता है कि आपके पास जो डेनिसोवियंस थे, डेनिसोवियंस का मतलब था जो होमो इरेक्टस रशिया के अंदर बैठे हुए थे, डेनिस केव्स के अंदर बैठे हुए थे, रशिया चाइना वगैरह एक ये रेंज में जो है वो बैठे हुए थे, दे शेयर डेनिसोवियंस शेयर्ड एंसेस्टर विद द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स एंड नियंदरथाल अबाउट 90। सो ये जीरो जो है, हाँ, सो 9 मिलियन ईयर्स टू 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो आपके पास इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, डेनिसोवियन मैन का, मॉडर्न मैन का और नियंदरथाल मैन का, ठीक है। तो आपके पास जो डेनिसोवियन मैन है उनका माइग्रेशन हो गया रशिया के अंदर बहुत पहले, फिर आपके पास ये जो हैं वो अफ्रीका के अंदर ही बैठे रहे, ठीक है, दोनों। देन मॉडर्न ह्यूमन बींग्स एंड नियंदरथाल, दे हैव द कॉमन एंसेस्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ईयर्स अगो। तो 5 लाख साल पहले जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स और नियंदरथाल मैन का कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। देन नियंदरथाल मैन एंड डेनिसोवियंस दे शेयर्ड द लास्ट एंसेस्टर अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। तो डेनिसोवियन नियंदरथाल और डेनिसोवियन मैन जो है वो आपस में इंटरब्रीडिंग जो है वो करते रहे, ठीक है। और इधर जो है वो 5 लाख साल, मतलब आपके पास जो यूरोप के अंदर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स थे वो भी आपके पास इंटरब्रीडिंग करते रहे। भाई ये समझ में तो आ रहा है ना एवरीबडी, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज दी हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। हाइब्रिडाइजेशन मॉडल मैं आपको, चलो आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि आपके पास तीनों जो हैं, क्योंकि तीन आपके पास मेजर स्पीसीज हैं जो कि कंटेंशन का कारण बनी हुई हैं, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, नियंदरथाल मैन एंड डेनिसोवियन मैन, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स और नियंदरथाल मैन और डेनिसोवियन मैन, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज अफ्रीका। सबसे पहले आपके पास जो डेनिसोवियन मैन है वो रशिया में चला जाता है, ठीक है। आई वी डोंट नो हाउ वो आपके पास जो है वो रशिया में चला जाता है और वो जाके वहां पे बन जाता है डेनिसोवियन मैन। और जो हमारा कॉमन एंसेस्टर है तीनों का, वो आपके पास जो है वो यूरोप के अंदर बैठा रह जाता है, ठीक है। तो 5 लाख साल जो है वो जो है वो यूरोप के अंदर बैठता है। फिर उसके बाद आपके पास नियंदरथाल, उसका एक ब्रांच, उसकी एक पॉपुलेशन जो है वो यूरोप के अंदर चली जाती है, उसको हम कह देते हैं वो बन जाता है नियंदरथाल मैन। वी डोंट नो दैट हु द इंसेस्टर इज, हमें ये नहीं पता कि इंसेस्टर कौन है। फिर उसके बाद जो है वो करीबन 1,70,000 साल बाद जो है वो आपके पास ह्यूमन बींग्स बाहर निकलते हैं, वो भी यूरोप में जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाके ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नियंदरथाल मैन के साथ इनब्रीडिंग करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सी बात आ गई, रीजनल हाइपोथेसिस वाली बात आ गई, ठीक है। रीजनल हाइपोथेसिस क्या कहता था कि अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बात जहां पे हमने नियंदरथाल मैन छोड़ा था, नियंदरथाल मैन कहां पे आ गया था, यूरोप के अंदर आ गया था। अब यूरोप से नियंदरथाल मैन के दिमाग में कुछ आई, और बिकॉज इट वॉज कोल्ड क्लाइमेट, मैं मिडल पेलियोलिथिक की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज कोल्ड क्लाइमेट, स्टिल कोल्ड क्लाइमेट था, नियंदरथाल मैन इट शिफ्टेड टूवर्ड्स द डेनिस केव्स। ये डेनिस केव्स रशिया की तरफ चला गया क्योंकि वहां पे भी ठंड थी, वहां पे इनको डेनिसोवियन मैन मिले और वहां पे इन लोगों ने जो है वो इंटरब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पास इन द यूरोप आप इंटरब्रीडिंग हो रही है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स और नियंदरथाल मैन के बीच में, गेटिंग द पॉइंट, ओके। और फिर आपके पास जो है इन डेनिसोवियन केव्स आपके पास जो है वो इंटरब्रीडिंग होती है बिटवीन द नियंदरथाल मैन एंड डेनिस मैन और डेनिसोवियंस, ठीक है। फिर आपके पास जो है देन क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपके पास जो है जो नियंदरथाल मैन है वो पीछे की तरफ जो है वो हटना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक
ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यही बात लिखी गई है दैट दे इंटरप्रेट विद द नियंदरथाल मैन एंड द डेनिसोवियन मैन, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो आए तो अफ्रीका से ही हैं, निकले तो बाहर वो अफ्रीका से ही हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो आपके पास नियंदरथाल मैन और डेनिसोवियन मैन के साथ जो हैं वो इंटरब्रीडिंग करते रहे हैं। नियंदरथाल मैन 3 लाख साल पहले जो है डेनिस केव्स के अंदर जो चला गया और दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर बन गया। कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है कि दोनों ने आपके पास इंटरब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो दोनों के जो औलाद हैं वो जो प्रोजनीज हैं वो कॉमन बनानी स्टार्ट हो गई। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो इंसान बाहर आता है 1,70,000 साल पहले, तो आपके पास जो है वो उसके साथ भी वो भी नेंदरथाल मैन के साथ जो है वो इंटरब्रीडिंग करता है। सो इसी लाइन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन मॉडल के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। भाई द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका एवरीबडी? द कंसेप्ट इज क्लियर? ये डेट्स नहीं याद रह रही, मत याद रखो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो दैट देयर वाज अ डेनिसोवियन मैन, देयर वाज अ नेंदरथाल मैन, और आपके पास 1,70,000 वाली जो डेट है वो याद रख लो, और वहां पे आपके पास जो है, और ये चीज याद रख लो कि बिटवीन 9 मिलियन ईयर्स एंड 1 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास जो था तीनों का कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, और जो मैंने कहानी सुनाई है वो कहानी लिख देना दैट आपके पास सबसे पहले माइग्रेशन हुई इन द डेनिस केव्स, डेनिस DENIS, डेनिस। ठीक है, डेनिस केव्स में हुई, डेनिस वहां पे होमो इरेक्टस और डेनिसोवियन मैन जो है वो वहां पे हो गया, बैठ गया। ठीक है, देन नियंदरथाल मैन की माइग्रेशन हुई आउट ऑफ अफ्रीका अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो, 5 लाख साल पहले जो है नियंदरथाल मैन आपके पास माइग्रेट किया यूरोप के अंदर, एंड फ्रॉम यूरोप ही माइग्रेटेड टू दी डेनिस केव्स, वहां पे इन दोनों की इनब्रीडिंग होती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? इस पॉइंट को भूल जाना, वैसे भी यहाँ पे जो है वो शायद मुझसे एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को जो है वो चाहे भूल जाना। ओके, फिर उसके बाद जो है ह्यूमन बीइंग्स का माइग्रेशन होता है 1,70,000 बाद। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो आपके पास नियंदरथाल मैन के साथ इनब्रीडिंग करते हैं, और आपके पास जो है फिर नियंदरथाल मैन जो है वो डेनिसोवियन मैन के साथ इनब्रीडिंग करता है। फिर ह्यूमन बीइंग्स जब आपके पास अपर पेलियोलिथिक आता है, ह्यूमन बीइंग्स दे एक्सपैंड, वो एक्सपैंड कर जाते हैं, वो यूरोप को भी कैप्चर करते हैं और डेनिस केव्स में जाके भी कैप्चर कर लेते हैं। हाउ दे कैप्चर, हाउ दे रिप्लेस्ड, वी डोंट नो। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उनका ओरिजिन हुआ है अफ्रीका से, ठीक है, वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका, बट जो आपके पास कंटेम्परेरी और पॉपुलेशंस थी, चाहे वो नियंदरथाल मैन की पॉपुलेशन थी चाहे वो डेनिसोवियन मैन की पॉपुलेशन थी, हम उनके साथ जो है वो इन ब्रीडिंग हुई है, जिसकी वजह से एक ही जीनस बन गया आज हमारे पास, दैट इज नोन एज दी होमोसेपियन। वो होमोसेपियन का जो है वो हमारे पास जीनस बन गया। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सर ये अपडेटेड पीडीएफ सेंड कर देना आप, उसमें है नहीं पुरानी वाली में। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, सो अगेन इन 2019 द क्वेश्चन वाज आस्क्ड द कल्चर ऑफ होमो हैबिलिस, प्लीज सी इट योरसेल्फ। ये कल्चर ऑफ होमो हैबिलिस का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, इट वाज इन अर्ली पेलियोलिथिक ओल्ड वाइट ट्रेडिशन वाला, ये सारा प्लीज रीड इट योरसेल्फ। वहां पे कॉबल सिलेक्शन ऑफ कॉबल था, देन हैमर स्टोन टेक्निक के साथ जो है वो निकाल लेते थे। कुछ आपके पास कोर टूल्स मिले हैं, कुछ फ्लेक टूल्स मिले हैं, सो यू हैव द चॉपर चॉपिंग कम्प्लेक्स देयर, आपके पास जो चॉपर चॉपिंग कम्प्लेक्स वहां पे मिला है। देन देयर वॉज थ्यूरी ऑफ माइंड, थ्यूरी ऑफ माइंड का क्रिएशन था, ब्रोकाज एरिया प्रॉपरली डेवलप्ड था। देन आपके पास ये हो सकता है कि लैंग्वेज भी प्रॉपरली डेवलप हो गई हो। इन सम केसेस यू हैव रीटचिंग ऑफ द कॉपर ऑफ द चॉपर चॉपिंग टूल्स। रीटचिंग का मतलब क्या कि पहले आपने टूल को तोड़ा और फिर उसमें जो है वो आपने तराशना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, ये आपके पास साइट्स थी। अगर इन केस क्वेश्चन तो जो है वो ओल्ड बाय जॉर्ज के ऊपर पूछा गया था, इन केस कल्चर ऑफ होमो हैबिलिस के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, सो दीज आर द साइट्स। ठीक है, ओल्ड बाय जॉर्ज, इट इज वन ऑफ द साइट दैट इज एक्सकेवेटेड बाय द मैरी एंड लुइस लीकी। ठीक है, सो आपके पास जो थे द होमो हैबिलिस दाओ, ये स्कैवेंजर्स थे, वो वाइट प्लांट्स वाइट रूट्स जो हैं उनको कैप्चर कर लेते थे, वाइल देयर आर एविडेंसेज ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ द साइट, कि आपके पास वो कहीं से हंटिंग गैदरिंग करके दोबारा फिर से जो है वो कैंपिंग साइट्स के ऊपर आ जाते थे, सुबह जाते थे और शाम को आ जाते थे। इसका मतलब क्या है कि कॉग्निशन जो थी उनकी प्रॉपरली डेवलप हो चुकी थी। तो यही जो है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, प्लीज रीड इट, इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। देन द कल्चर ऑफ होमो हैबिलिस सेम सिमिलरली द यूरोपियंस दे आर क्लोजर टू नियंदरथाल क्रिटिकली डिस्कस इन द व्यू ऑफ द अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ होमोसेपियन। वही बात दोबारा फिर से आपको, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन मॉडल है कि आपके पास जो यूरोपियंस हैं वो नियंदरथाल के क्लोजर हैं, खैर आपके पास जो एशियंस हैं दे हैव मोर नियंदरथाल डीएनए, हमारे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नियंदरथाल डीएनए है, यूरोपियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास क्रिटिकली डिस्कस द व्यू ऑफ द अफ्रीकन रीजन। ठीक है, पहले आपने अफ्रीकन रीजन वाला व्यू बताना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने हाइब्रिडाइजेशन मॉडल से के साथ जो है वो चीज़ों को कंक्लूड करना है। बेसिकली दिस इज ऑन द हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। ठीक है, क्योंकि आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजिन क्या कहता है कि होमोसेपियन यहाँ पे बना और होमोसेपियन जो है वो फिर अफ्रीका से बाहर आया और जो बाकी पॉपुलेशन है उनके साथ उन्होंने लड़ाई की, और ब्रीडिंग की बात नहीं करते, वो इनब्रीडिंग की इंटरब्रीडिंग की बात नहीं करते, बाकियों के साथ लड़ाई की और उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया, भगा दिया उनको यहां से। सो दिस इज द आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल। फिर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन मॉडल आता है जो कि ये समझाता है कि नियंदरथाल डीएनए हमारे अंदर है क्यों। ठीक है, वही चीजें आपको जो है वो यहां पे लिखनी है। ठीक है, देन डिस्क्राइब द कल्चर रिलेटेड टू द होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की कल्चर समझानी है। ठीक है, सो आपके पास जो है दिस इज द यहां पे जो है वो डिस्कस हुआ है कि होमो इरेक्टस कहाँ पे मिला है, जावा में मिला है। जावा में आपके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो आपके ज़ोकेडिया में मिला है और ज़ोकोडिया में मिला है चाइना के अंदर, वहाँ पे जो है यू हैव द कोल्ड क्लाइमेट, तो ऑब्वियसली द होमो इरेक्टस वॉज एबल टू अडेप्ट टू ईच एंड एवरी क्लाइमेट, ही शुड हैव वेल डेवलप्ड टूल कल्चर, जो उसका टूल कल्चर है वो अच्छा होना चाहिए। और टूल कल्चर में एक मूविस लाइन मिलती है, मूविस लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास होमो इरेक्टस का यूरोप के अंदर जो टूल कल्चर है वो कुछ एक तरह का है और आपके पास जो है वो आपके पास एशिया के अंदर जो है वो अलग टूल कल्चर है। सो अर्लियर है इनहेबिटेंट्स इन द एशिया दे कैरिड आउट द ओल्ड वाई टूल्स, जो आपके पास ओल्ड वन टूल्स हैं जो चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं उनको ही उन्होंने कैरी ऑन किया। तो आपके पास इंडिया के अंदर भी व्हेन यू सी व्हेन यू एक्सकेवेट द सोहन वैली, सोहन वैली के अंदर भी आपको जो है वो चॉपर चॉपिंग टूल्स मिलते हैं। ठीक है, बट अगर आप यूरोप की बात करो, इन द यूरोप यू हैव द फॉर्मुलेशन ऑफ द अशुलियन टूल्स, वहां पे आपको अलग अशुलियन टूल्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द मूविस लाइन, ये आपके पास मूविस लाइन है, ये थोड़ी सी ऊपर ज्यादा चढ़ गई है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ है, इस तरह से होती है मूविस लाइन। हेयर ऊपर की तरफ जो है वो आपके पास यू हैव द पोटवार प्लेटू, यू हैव द सोहन वैली। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द मूविस लाइन, यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव द अशुलियन टूल्स, यहाँ पे आपको अशुलियन टूल्स मिल जाते हैं, बाकी जगह के ऊपर जो है यू हैव द डिफरेंट ओल्ड वाइट ट्रेडिशन, आपको ओल्ड वाइट ट्रेडिशन जो है वो मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है देर आर वेरियंट्स, जस्ट इसको भी एक बार देख लेना, ट्रिनिल मैन वगैरह ये सारे वेरियंट्स मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, देन यू हैव द हाइडलबर्जेंसिस मैन। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो टूल्स, फ्लेक टूल्स, स्टोन टूल्स वगैरह उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल हाइड को पहनना स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ गो थ्रू दिस ऑल्सो। ठीक है,
हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, वो ये सब कुछ जो है वो यूज करते थे। देन यू हैव द फाइलोजेनी, होमो इरेक्टस हो गया। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोडेशियन मैन। प्लीज गो थ्रू दिस, इस पेज नंबर को जो है वो एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपने ये सारी चीजें कर ही ली होंगी, ठीक है। प्लीज गो टू दिस, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट, ठीक है। देन सर डिस्क्राइब होमो एर्गेस्टर के बारे में पूछा, होमो एर्गेस्टर, होमो होमो एर्गेस्टर, एर्गेस्टर। होमो होमो इरेक्टस के साथ वाला ही है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ एर्गेस्टर के बारे में डिस्कस, बिकॉज पूछा नहीं गया है कभी भी उसके बारे में, बट पूछा जा सकता है। तो मैंने उसमें जो है वो जो आपको टेस्ट बनाया है, मैं उसके अंदर मैंने डाल दिया था। आई विल सेंड यू द पीडीएफ एर्गस्टर का, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जो भी वहां से सवाल ना आया, आपको टेस्ट सीरीज से कोई भी सवाल ना आया, वो पूछ लेना, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। कुछ मैंने जो है वो जानबूझ के ऐसे सवाल डाले थे जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाए, जो कि आपको थोड़ा सा आगे पुश करे कि आप आगे चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ते हो, थोड़ा सा अपना जो एरिया है उसको वाइड करते हो, देन ऑब्वियसली यू आर, अगर थोड़ा बहुत एग्जामिनर शैतानी भी करता है, यू आर एबल टू क्रैक दैट, आप उसको प्रॉपरली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कल्चर ऑफ होमो इरेक्टस के बारे में पूछ लिया जाता है, एर्गस्टर के बारे में भी जो है वो कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। टोंग चाइल्ड वगैरह, तो दैट आई हैव पुट इन दी टेस्ट सीरीज, उसको मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर पुट कर दिया था। ओके, सो डिस्क्राइब द सेलियंट करेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होमो इरेक्टस दैट वी हैव टिल, अभी देखा था हमने, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दिस, 775 पेज में देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें तो आपने कर रखी होंगी। देन एशियन होमो इरेक्टस यानी कि पेकियंसिस मैन, 1784, सॉरी 784, ठीक है। सो दिस इज द पेकियंसिस मैन, जावा आ गया, और जावा मैन, हाँ दिस इज द होमो इरेक्टस पेकियंसिस। सबसे पहले चीजों को वही लिखना है कि यूजिन आपके पास जो है वो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डेविसन ब्लैक, डेविसन ब्लैक ने एक इसको डिस्कवर किया, ठीक है, इन द पैकिंग। तो आपके पास जो था, देन उसके बाद जोकोदिया के अंदर जो है वो एक्सकेवेशन हुई। सो दीज आर सम ऑफ द, ये आपके पास जो है वो कुछ फीचर्स हैं। और आपके पास थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, वहाँ पे जो है कुछ फिजिकल फीचर्स जो हैं वो इनके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द एडवांस करेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द प्राइमेट फीचर्स, ये लिख रखे हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट, ये चीज़ें भी आपने जो हैं वो लिखनी है उसमें, ठीक है। सो देन आपके पास दिस वॉज द पैकियंसिस मैन, ये आपके पास पैकियंसिस मैन है यानी कि एशियन होमो इरेक्टस है, ठीक है। सो उसी के साथ आपके पास और बहुत सारी फॉसिल्स मिली हैं, जैसे त्रिनिल फॉसिल मिली है आपको, नकडोंग फॉसिल मिली है, मोजो कर्टो फॉसिल मिली है। सो दीज ऑल आर द फॉसिल्स, ये आपके पास जो है यू हैव द दिस वन, इट इज द पैकियंसिस मैन, ओके। देन यू विल राइट द फाइलोजेनी, फिर उसके बाद जो है दिस इज द फाइलोजेनी, ये फाइलोजेनी डायग्राम है, ठीक है। आपके पास दिस इज द लेफ्ट वन, इट इज द लीग्रोस, लीग्रोस का डायग्राम है, जॉन नेपियर का डायग्राम है, ठीक है। सो उसके बाद पिलबुम ने जो है वो इसकी फाइलोजेनी इस तरह से दी है, ठीक है। दीज आर द व्यूज ऑफ पिलबुम, प्लीज गो थ्रू देम, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सो कमेंट ब्रीफली ऑन दी फाइलोजेनिक पोजिशन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स। सो दीज आर द फाइलोजेनिक पोजिशन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स। देर आर टू थ्योरीज, टू ब्रांच थ्योरी एंड थ्री ब्रांच थ्योरी। जॉनसन, डी सी जॉनसन ने जो है वो आपके पास जो है टू ब्रांच थ्योरी दी है। बेसिकली आपके पास टू ब्रांच थ्योरीज में क्या है कि आपके पास एक जो लाइन है वो होमोसेपियंस को चली जाती है, और दूसरी जो लाइन है वो बसई में चले जाती है, रोबस्टस बसई में चले जाती है, ठीक है। सो दीज आर दी, ये आपके पास फाइलोजेनिक डायग्राम्स हैं, ठीक
कि हो सकता है कि आपके पास एफरेंसेस हो, एफरेंसेस इट फॉर्मड दी होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस सेपियन सेपियनसेस, और एक जो लाइन है वो अफ्रीकनस में चली जाती है रबस्टस एंड बसई, ठीक है। और फिर आपके पास हो सकता है दैट एफरेंसेस इट डेवलप्ड इनटू अफ्रीकनस, ये इसके नीचे कॉमन एंसेस्टर हो, देन इट बिकम रबस्टस बसई, और यहाँ पे वही लाइन है। हो सकता है कि देयर शुड बी अन अननोन एंसेस्टर, कोई अननोन एंसेस्टर हो, दिस इज दी मोस्ट वैलिड वन, ये सबसे ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि देयर वुड बी सम अननोन एंसेस्टर, फ्रॉम अननोन एंसेस्टर यू फॉर्म दी एफरेंसेज, फ्रॉम एफरेंसेज यू फॉर्म दी अफ्रीकनस, फ्रॉम अफ्रीकनस यू फॉर्म्ड बोसाई एंड रोबस्टस, ठीक है। तो इस तरह से अफ्रीकनस से बोसाई और रोबस्टस अलग हो गया, और आपके पास एफरेंसेस से अफ्रीकनस बन गया, ठीक है। देन दिस लाइन इट इज सिमिलर, सो दिस इज द मोस्ट वैलिड वन, ये सबसे ज्यादा वैलिड है, ठीक है। दिस इज द टू ब्रांच थ्योरी, ये आपके पास टू ब्रांच थ्योरी है, ओके। देन यू हैव द थ्री ब्रांच थ्योरी ऑफ एलन वॉकर, एलन वॉकर की थ्योरी है आपके पास थ्री ब्रांच थ्योरी, कि एक ब्रांच जो है वो इरेक्टस की तरफ जाएगा, दूसरा ब्रांच बोसाई की तरफ जाएगा, तीसरा ब्रांच जो है वो रोबस्टस की तरफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी थ्री ब्रांच थ्योरी, कि आपके पास हो सकता है अननोन एंसेस्टर है, अननोन एंसेस्टर प्रोन्थ्रोपस बना और बोसाई बन गया, यहाँ से अफ्रीकनस बना और रोबस्टस बन गया, फिर हैबिलस बना इरेक्टस बन गया, ठीक है। और फिर रामिडस से या फिर एनामेंसिस से हो सकता है कि आपके पास हैबिलस बना इरेक्टस बना, फिर आपके पास जो है वो एक ब्रांच जो है वो प्रेंथरोपस और बसाई की तरफ चले गई, और दूसरी तरफ जो है वो अफ्रीकनस और रबस्टस में आ गई, ठीक है। सो दिस इज दी थ्री ब्रांच थ्योरी, ये आपके पास थ्री ब्रांच थ्योरी है। अब जो 2002 में आपके पास नई थ्योरी आई है, नए एविडेंसेस से आपने जो है थ्योरी बनाई है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास पहले अफ्रीकनसिस आया, फ्रॉम दैट अफ्रीकनस बना एंड इट गॉट एक्सटेंट, वो एक्सटेंट हो गया। फ्रॉम अफ्रीकन एफरेंसेज यू फॉर्म्ड एस्ट्रेलोपिथिकस गरही, वो भी आपके पास जो है वो एक्सटेंट हो गया। देन फ्रॉम एफरेंसेज यू डेवलप्ड दी आथियोपिथिकस, एंड आथियोपिथिकस इट बिकेम बोसई एंड रोबस्टस, वो बोसई और रोबस्टस बन गया, ठीक है। और वी डोंट नो कि वेदर इट वॉज एस्ट्रेलोपिथिकस गरही आपके पास वो कौन सा था, या फिर एनामेंसिस था, कि जो आपके पास होमो है वो किस तरह से बना है, वी एक्चुअली डू नॉट नो, ठीक है। तो आपके पास जो एस्टिलोपिथिकस है उसका जो रीसेंट 2002 में जो आपके पास अलग अलग पेलियंटोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस के आधार के ऊपर फाइलोजनी बनाई है वो ये है, ठीक है। मेजर जो हैं वो आपके पास ये दोनों हैं, टू ब्रांच थ्योरी है और थ्री ब्रांच थ्योरी है आपके पास, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है, ओके। सो नियंदरथाल मैन दैट यू कैन डू, भाई वो एक बार 799 पेज के ऊपर जो है वो जाइएगा और चीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी नियंदरथाल मैन, सो ये आपके पास नियंदरथाल मैन का एक बार टाइम स्केल है, कि 1,50,000 में जो है वो यूरोप के अंदर फैला, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एशिया, नॉर्थ एशिया वगैरह में जो है वो फैलता चला गया, ठीक है। फिर लेकिन जो एक्सटेंशन है इट इज़ 2500, ठीक है, तो सॉरी 25,000 ईयर्स, ओके। सो इन्वायरमेंट आइस एजेस थी, मिडिल पेलियोलिथिक था, अब लोअर पेलियोलिथिक था, उस तरफ जो है वो नियंदरथाल फैला। अर्नस्ट हुटन ने दो तरह से नियंदरथाल को डिवाइड किया है, क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव, प्लीज गो थ्रू दिस, ठीक है। जो है वो क्लासिकल और प्रोग्रेसिव का जो है, प्रोग्रेसिव का जो स्कल है वो माउंट कैरमल में मिला है इसराइल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी सारी की डिस्कवरीज हुई, जैसे लॉ मिस्टेरिया में डिस्कवरी हुई, शानिदर के अंदर होमर आपके पास जो नियंदरथाल मैन है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। आपके पास चैपल एक्स सेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास डिस्कवरी हुई, ठीक है। ये सारी डिस्कवरीज जस्ट गो थ्रू देम, एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ यहाँ पे जो है वो आपके पास डिस्कवरीज हुई हैं, प्रॉपरली इसके अंदर जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली जो सवाल हैं वो नहीं पूछे जाते कि आपके पास एल वर्ल्ड केव के अंदर जो है किस तरह से डिस्कवरी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्लासरूम प्रोग्राम वाली ये सारी स्लाइड्स हैं,
ओके देन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, प्लीज रिमेम्बर दिस, इसको जो है रिमेम्बर कर लीजिएगा, फिजिकल जो फीचर्स हैं इनको रिमेम्बर कर लीजिएगा, ठीक है। देन प्लीज रिमेम्बर द फाइलोजेनी, सो दिस इज द कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, टूल कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और दिस इज द फाइलोजेनिक पोजिशन। देन द फर्स्ट मॉडल, इट इज द प्री सेपियन मॉडल, वालस का मॉडल है ये। प्री सेपियन मॉडल से ये कि आपके पास होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस से स्वांसकोम मैन बना, फिर आपके पास जो है देन इट वेंट टूवर्ड्स द मॉडर्न होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन बन गया, ठीक है। वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द पॉन्टिचेट मैन, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आपके पास एक लाइन जो है वो प्रोग्रेसिव में जाती है, और प्रोग्रेसिव से आप जो है वो क्लासिकल में चले जाते हो। एक लाइन रोडेशियन मैन में जाती है, एक लाइन सोलो मैन में जाती है, ठीक है। सो दिस इज दी प्री सेपियन मॉडल, ये प्री सेपियन मॉडल है, ठीक है। देन आपके पास लीग्रोस और क्लार्क का मॉडल आ जाता है। लीग्रोस और क्लार्क का मॉडल कहता है कि रोडेशियन मैन सोलो मैन ये अलग है, और आपके पास स्वांसको मैन से जो है वो प्रोग्रेसिव आता है, प्रोग्रेसिव से वन इज फ्रॉम द मॉडर्न मैन, अदर इज दी फ्रॉम द क्लासिकल नियंदरथल। तो ये आपके पास लीग्रोस और क्लार्क का मॉडल है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज। देन यू हैव दी सेपियन मॉडल, फिर आपके पास जो है वो वुल्फोव का मॉडल आ जाता है 1980 का। वो आपके पास कहता है दैट फ्रॉम प्रोग्रेसिव द मॉडर्न मैन हैज डेवलप्ड, और आपके पास प्रोग्रेसिव जो है वो स्वांसकॉम से बना है। देन क्लासिकल नियंदरथल ये बना, और इस ये जो है वो आपके पास एक्सटिंक्ट हो गया। फिर आपके पास रोडेशियन मैन बना और सोलो मैन बन गया, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास जो था मॉडर्न मैन वो अलग से बना था, ये इसमें से कोई भी सही नहीं है। जो मॉडर्न मैन जो था वो आपके पास अलग से बना था, और अब उसने जो है वो या तो रिप्लेस कर दिया, या फिर आपके पास नियंदरथल मैन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से खुद जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर आपके पास देयर वाज ऑब्वियसली इनब्रीडिंग। तो वो जो आपके पास नियंदरथल मैन किस तरह से एक्सटिंक्ट हुआ, वो सारी जो चीज़ें हैं दीज आर द थ्यूरीज। फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी है, ठीक है, कि आपके पास होमोसेपियंस ने मार डाला उनको, दिस इज दी आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहती है फिजिकल एक्सटर्मिनेशन, ठीक है। देन कंपटीशन थ्योरी है, कंपटीशन थ्योरी कहता है कि मॉडर्न होमोसेपियंस ज़्यादा डेवलप्ड थे, नहीं मॉडर्न होमोसेपियंस ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, हम बहुत कमज़ोर थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, वो ज़्यादा जो है वो आपके पास व्हेन इट वाज कोल्ड क्लाइमेट वो ज़्यादा अडेप्टेड थे यूरोप के लिए, हम जो है वो अडेप्टेड नहीं थे, ठीक है। देन ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी, इसका कुछ आपके पास है कि आपके पास वो कोल्ड क्लाइमेट्स में अडेप्टेड थे, तो मिडल पेलियोलिथिक के अंदर तो उनका काम चल गया, जैसे अपर पेलियोलिथिक आया तो जो होमोसेपियन जो कि हॉट क्लाइमेट में अफ्रीकन क्लाइमेट में अडेप्टेड थे, हम लोग आगे बढ़ गए बेचारे, वो बिकॉज दे वर नॉट दैट अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, दे वर एक्स वो अपने आप जो है वो एक्सटेंट हो गए, ठीक है। तो देन यू दोनों थ्योरीज जो हैं वो ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी और टोटल असिमिलेशन थ्योरी, दोनों जो हैं बोथ ऑफ द थ्योरीज दे आर वैलिड, दोनों थ्योरीज आजकल वैलिड हैं। एक थ्योरी कहती है कि दीज थ्योरीज वैलिड कैसे हैं, कि ये कहते हैं कि जो होमोसेपियंस हैं और नेंदरथाल मैन हैं वो अलग अलग ब्रांचेज के अंदर जो हैं वो बट गए, अलग अलग ब्रांचेज में बंटने के बाद कुछ जो आपके पास कुछ तो है जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और उन नेंदरथाल मैन का जो डीएनए है वो हमारे अंदर अब तक है। एशियंस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, और आपके पास यूरोपियंस के अंदर थोड़ा सा कम है, हमसे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास कुछ नेंदरथाल मैन थे जो कि इन ब्रीडिंग जिनके जिन्होंने नहीं की, दैट वर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स, जो कि इंटरब्रीडिंग नहीं की, जिन्होंने इनब्रीडिंग की, दैट वर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है, जिन्होंने इंटरब्रीडिंग नहीं की हमारे साथ बट इनब्रीडिंग की अपने साथ ही, ठीक है। वो आपके पास कोल्ड क्लाइमेट्स में थे, एंड इवेंचुअली उनके अंदर जो था होमोजाइगोट्स जो थे, होमोजाइगोटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके अंदर, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए अपने क्लाइमेट को, क्लाइमेट चेंज हो गया एंड दे गॉट एक्सटेंट। सो दिस इज इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके अब हमने जो है वो एक थ्योरी बनाई है जो कि नेंदरथाल मैन की एक्सटेंशन को समझा रही है। भाई समझ में आ गया, अगर नेंदरथाल मैन किस तरह से एक्सटेंट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी चीजें आ जाएं तो प्लीज राइट इट डाउन, तो इन चीजों को जो है वो लिख सकते हो आप। ओके 2010 में ये स्टडी हुई थी कि आपके पास जो था दोनों के अंदर जो है एशियन और जो
एशियन और यूरोपियन दोनों के अंदर जो है वो नेंदरथाल का डीएनए है। ठीक है जी, अगेन बहुत तेजी से करवाना पड़ रहा है ये काम। ठीक है, वो भाई रोडोल्फेंसिस का एक बार जो नॉट रोडोल्फेंसिस एर्गस्टर का एक बार जो है वो आई विल गिव यू द हैंड आउट, उसका मैं हैंड आउट जो है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि आपके पास हो सकता है कि इरेक्टस हैबिलिस दोनों में से हमारा कोई पूर्वज ना हो। हैबिलिस तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, इरेक्टस हमारा जो है वो पूर्वज ना हो। इरेक्टस के साथ में एक और इंसान था जिसको हम कहते हैं एर्गस्टर, एर्गस्टर हमारा जो है वो पूर्वज बनने के लायक है, क्योंकि एर्गस्टर के अंदर जनरल फीचर्स हैं। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हो तब आप जो है वो क्लाइमेट जब चेंज होता है तो यू गेट एक्सटिंक्ट, तो एक्सटेंशन हो जाता है, एवोल्यूशन के लायक नहीं बचते आप। ठीक है, तो आपके पास इरेक्टस के अंदर लोग मानते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि इरेक्टस के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फीचर हैं, वो एक नीश वाले फीचर्स हैं। और ऑब्वियसली आपके पास द होमो इरेक्टस इट बिलोंग्स टू द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के बाद बहुत सारे ग्लेशिएशन हुए, बहुत बार ठंड पड़ी है, तो जब आपके पास ग्लेशिएशन हुए, जब आपके पास ठंड बढ़ने लगी, देन ऑब्वियसली आपके पास होमो इरेक्टस जो था, जो कि एक ही नीच का प्राणी था, एक ही नीच के अंदर वो रहता था, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर वो रहता था, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया होगा। बट इसी के साथ एक और हमारे पास फॉसिल मिला है एर्गस्टर का। एर्गस्टर जो था उसके अंदर जनरलाइज्ड फीचर्स हैं, तो आपके पास ये माना जाता है कि हो सकता है कि ये हमारा इंसेस्टर हो। ठीक है, अगेन दिस इज अ डिबेट, तो क्योंकि ये डिबेट है तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ। तो मैं आप जो है एक बार पीडीएफ, 2 पेजेस की पीडीएफ है सिर्फ, उसमें मैंने जनरली जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको ही मिलाया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उसका क्रक्स जो है वो यही निकलता है। ओके, सो देन डिस्क्राइब द मेजर स्केलेटल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इरेक्टस एंड होमोसेपियंस। भाई ये दोबारा फिर से जो 1774 पेज के ऊपर जाइएगा, वहां पे आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मैंने प्रॉपरली लिख रखे हैं। कल्चर ऑफ होमो इरेक्टस दोबारा फिर से आ गया। ठीक है, होमो हैबिलिस, ठीक है, दैट 759। और इसमें भाई दिस इज दी होमो हैबिलिस। ठीक है, तो लुइस लिकी को मिला तांजेनिया में। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो है ओमो वैली को भी पूरा यहाँ पे भी ये जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया। सो करेक्टरिस्टिक्स क्रेनियल कैपेसिटी 630, तो प्लीज गो थ्रू दैट एक बार, इसको जो है देख लीजिएगा। सो ये आपके पास, दिस इज द डायग्राम, ये आपके पास कल्चरल अचीवमेंट्स हैं, ब्रोकाज एरिया है, ये कल्चरल अचीवमेंट्स ऑलरेडी उसी का मैंने जो है वो शॉर्ट शॉर्ट बना के यहाँ पे लिख रखा है। चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं, डिगिंग करते थे ओल्ड भाई जॉर्ज में, ये सारी चीज़ें मिली हैं। उनका इरेक्ट पोस्चर था, क्योंकि वहाँ पे हमें उनके फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट मिले हैं, तो फुटप्रिंट से ये पता चलता है कि उनका इरेक्ट पोस्चर था, क्योंकि बड़ा ब्रेन था, ब्रोकाज एरिया उनके अंदर डेवलप्ड था, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का वो प्रोडक्शन करते होंगे। वर्नकीज एरिया भी डेवलप्ड था, ब्रोकाज एरिया भी डेवलप्ड था, और उसी के साथ उनका कॉग्निशन जो था वो प्रॉपरली डेवलप्ड था। एक उनके पास जो थी, हो सकता है कि ओल्ड वे जोर जो थी वो कैंपिंग साइट होती हो। कैंपिंग साइट का मतलब क्या है कि इंसान बाहर जाता है, हंटिंग गैदरिंग करता है और फिर वापस आ जाता है, लौट के वापस आ जाता है वो, तो उसको हम कहते हैं कैंपिंग साइट है। ठीक है, तो उसका आपके पास कैंपिंग साइट थी, थ्योरी ऑफ माइंड प्रॉपरली डेवलप्ड थी। जब इतना बड़ा ब्रेन है, इतनी कॉग्निशन है, तो ये मान लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो भी प्रॉपरली डेवलप हो गई। अब थ्योरी ऑफ माइंड क्या होता है कि आप जो है वो सामने वाले को समझ पाते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर सामने वाला क्या करना चाहता है, यानी कि आप अपने आप को सामने वाले के जूतों में रख सकते हो, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। ये इंसान के अंदर जो है वो बहुत, ये इंसान के अंदर कल्चर की फाउंडेशन रखती है थ्योरी ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपके पास जो थ्योरी ऑफ माइंड थी वो डेवलप्ड थी, तो ऑब्वियसली होमो इरेक्टस ने जो है, सॉरी होमो हैबिलिस ने जो है वो आपके पास थ्योरी ऑफ माइंड का जो है वो एक थ्योरी ऑफ माइंड के साथ जो है वो एक कल्चर का फाउंडेशन रख दिया। ठीक है, सो ये आपके पास कल्चरल अचीवमेंट थी। अगेन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, वहां पे जो द पीडीएफ दैट आई हैव रिटन इन क्वाइट अ डिटेल। ठीक है,
ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है जी, ओके, जस्ट गो थ्रू द टेस्ट। अगर कोई सवाल जो है वो आपको परेशान कर रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड वे जॉर्ज, इट इज द फर्स्ट, ये आपके पास पहला एक्सकेवेटेड टूल ट्रेडिशन है। हाँ आ सकता है बिल्कुल, यहाँ पे आपके पहले टूल्स मिले हैं, जहाँ पे रीटचिंग वगैरह है टूल्स के अंदर, प्रॉपर चॉपिंग चॉपर चॉपिंग टूल्स मिले हैं। यहाँ पे आपको कैंपिंग साइट्स मिली हैं, यहाँ पे आपको फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले हैं, जहाँ से जिससे पता चलता है कि जो होमो हैबिलिस है वो इरेक्ट सीधा खड़ा हो सकता था, उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। ऑब्वियसली अपोजेबल थंब तो बेवकूफ़ी होगी ये सोच लेना कि उसका अपोजेबल थंब हो गया होगा, अपोजेबल थंब नहीं था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंसेस हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड वाइज जॉर्ज पूछा जा सकता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो जो सवाल हैं वो इन्हीं के अराउंड पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ ऑस्ट्रेलियोपिथिकस वगैरह को एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने थ्यूरीज करवाई हैं कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कैसे बाहर निकला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो देख लीजिएगा एक बार। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस और हैबिलिस को लिंक कर सकते हैं फाइलोजेनी के अंदर? नहीं, इसमें मत कीजिएगा, नहीं रहने दीजिए। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो थे वो साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका तक सीमित थे, वो ईस्टर्न अफ्रीका में बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। और हाँ, तो उसको मत कीजिएगा, कई चीज़ें होती हैं दैट आर स्टॉर्मी वाटर्स, सो दिस इज़ अ स्टॉर्मी वाटर। मुद्दे की बात लिखो और आगे बढ़ जाओ, क्या ज़रूरत पड़ी है पंगे लेने की? ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनी बडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? डाउट तो नहीं है कोई।